लेकिन एक चीज पक्की है, मोदी जी झुकेंगे नहीं, ये शेर है शेर ही रहेगा। आपने देखा दो दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए न हम हारे थे न हम हारे हैं, हम विजय को पचाना जानते हैं और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार है। मोदी तीसरे दफा वजीर आजम बने, पहले से कमजोर वजीर आजम बने हैं, लेकिन मोदी जी ने अगले दिन ही 10 बंदे तो ऑलरेडी जोड़ दिए हैं, 303 हो गए हैं। 303 से शुरू किया था पिछली गवर्नमेंट को, इस बार एनडीए के 303 हैं, ये पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। पाकिस्तानियों को ज्यादा इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम है जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। इंडिया अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशनल सेटिंग कर रहा है, इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस कर दिया, इंडिया ने पाकिस्तान को माइनस कर दिया, इंडिया ने सार को कम्प्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया। लोग यहाँ लिख रहे हैं कि जी नायडू ने ये मांग लिया, नीतीश ने वो मांग लिया, नहीं दिया जाएगा, ये मोदी जी हैं कि 5 मंत्री उन्होंने मांग लिए, 5 उन्होंने मांग लिए, कुछ नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक चीज पक्की है, मोदी जी झुकेंगे नहीं, ये शेर है शेर ही रहेगा, ये गिरगिट नहीं है। गिरगिट जो थे वो परमानेंटली गिरगिट हैं, वो गिरगिट ही रहेंगे। गिरगिट भी सोच रहा है कि मैं बड़ा गिरगिट हूं या ये है। मोदी जी शेर हैं शेर ही रहेंगे, और हम शेरों के पीछे लगते हैं, गिरगिटों के पीछे नहीं लगते। तो हम मोदी जी के साथ थे हैं और मोदी जी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि वो बंदा इस देश को आगे लेके जाने के लिए पूरा काम कर रहा है और करता भी रहेगा। ये शेर घायल है अभी, सनातनी भी, हिंदू भी, मोदी जी भी, और घायल शेर और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अभी एक काम और होगा कि हिंदू जो जाग रहा था, फिर सो गया था, अब जाग कर रहेगा, अब वो सोएगा नहीं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मोदी जी अब वो सारी फॉल्ट लाइंस जो यूज करी गई उन्हें बंद करेंगे। आपने यो सोचा होगा कि यार ये हो कैसे गया भाई, 10 साल ना जाति ना कोई ये जो तुष्टिकरण होता है, कुछ भी काम नहीं होने दिया मोदी जी ने, परिवारवाद वाला काम भी खत्म करते गए। एकदम से 2 महीने में ये सारी चीजें बाहर आ गई, उसका रीजन है, रीजन ये था, और इसके ऊपर अब काम किया जाएगा। रीजन ये था कि जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसके अंदर तो जाति पाति सब खत्म कर दी मोदी जी ने, लेकिन दिलों से उन चीजों को खत्म नहीं कर पाए। और ऑपोजिशन और जो बाहर की फोर्सेस हैं, उन्हें मालूम था ये ऊपर के लेवल पे तो हो गया, अंदर दिलों में अभी भी ये चीजें हम कभी भी ट्रिगर कर सकते हैं। उन्होंने टेस्ट किया और वो पास हो गए। अब इन चीजों को दिलों से कैसे खत्म करना है, इसके ऊपर मंथन भी होगा मोदी जी की तरफ से, और काम भी होगा। और काम ऐसा होगा कि अगली बार ये कोशिश भी करेंगे हिंदुओं को डिवाइड करने की, ये नहीं कर पाएंगे। और उसका तरीका बड़ा ही सिंपल है, उन्होंने हमें डिवाइड करने की कोशिश करी, उनके बदतर हैं, क्योंकि बदतर हो रहे होती हैं ऊपर, तो इन्होंने नीचे भी एक एक घूर के लिए एक एक जाति बना दी मुसलमानों की, आप उनको बांट दीजिए, उनमें से जो निचली 5-10 हैं उनको आरक्षण मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। बट गए, और बटेंगे तभी कटेंगे, वरना वो हमें ही काटते रहेंगे। इसके ऊपर अब काम होगा, ऐसे मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो फेक नैरेटिव्स चलते थे, जो चलाए जाते थे केजरीवाल कांग्रेस की तरफ से, अब इनके ऊपर रोक लगेगी। वो यूट्यूबर्स जो लंबी लंबी फेंकते हैं, ये फेंकू, इनके ऊपर रोक लगेगी। ये फेक सनातनी जो बनते हैं, इनके ऊपर रोक लगेगी, इनको पर्दाफाश किया जाएगा। ये अब इस बार फ्री विल जो है ना, फ्री जो मर्जी बोल दीजिए, वो नहीं चलेगा, इसके ऊपर रोक लगेगी। कोई ना कोई अधिवेशन बनाया जाएगा, इसके ऊपर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा। और यूट्यूब है, फेसबुक है, इनको भी डर लगता था, इसलिए उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही बोल दिया, हाँ हाँ हमने बंदे ढूंढ लिए हैं जो कि सारी धांधली कर रहे थे, हमने उनको निकाल दिया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब वो इन्वेस्टिगेशन पूरी भी करवाई जाएगी और सजा भी दिलाई जाएगी, और बाकियों के लिए परमानेंटली रोक भी लगाई जाएगी, ये काम होगा। एक बार 272 पार होने दीजिए, ये हो जाएंगे।
मुझे पहले लगता था कि 6 महीने लगेंगे, मोदी जी ने अगले दिन ही 10 बंदे तो ऑलरेडी जोड़ दिए हैं, 303 हो गए हैं। 303 से शुरू किया था पिछली गवर्नमेंट को, इस बार एनडीए के 303 है, ये पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। अब आगे क्या होगा उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं एक चीज और देता हूं आपको। जो लोग यहां लिख रहे हैं कि जी नायडू ने ये मांग लिया, नीतीश ने वो मांग लिया, नहीं दिया जाएगा, ये मोदी जी हैं कि 5 मंत्री उन्होंने मांग लिए, 5 उन्होंने मांग लिए, कुछ नहीं दिया जाएगा। उन्हें बोला बोल दिया जाएगा कि तुम में से दो जो कम नेगोशिएट करेगा वो रहेगा मेरे साथ, दूसरा बाहर जाओ क्योंकि तुम्हारी जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट्स आ गए हैं, तुम तो 28 हो, 28 में से एक भी जुड़ गया हम पार कर जाएंगे। इसलिए द पर्सन हु विल नेगोशिएट लेस, जमीन पर रहकर नेगोशिएट करेगा, उसको जोड़ दिया जाएगा, दूसरे को लात भी मारनी पड़े तो ये मार देंगे। ये मोदी है और अमित शाह है, और उन्हें भी मालूम है कि हम अब बाहर निकले तो हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। तो नायडू और पलटूराम दोनों जमीन पर रहकर बात करेंगे और नेगोशिएट उतना ही करेंगे जहां पर रबर बैंड टूट ना जाए। अब इंडिया की नज़र जो है उन वादों की तरफ है, क्योंकि मोदी साहब जैसे वादा किया गया था कि वो ही वज़ीर आज़म बनेंगे, और कुछ लोगों का ये भी मानना है अगर वो नहीं होते तो इंडिया की शायद ऐसे ग्रोथ नहीं हो पाती। जी देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है, जो पिछले 2 टेन्योर्स हैं अगर हम उनको एनालाइज करते हैं तो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। ठीक है, ही ब्रॉड टू मच ऑन द टेबल जो इंडियंस के लिए है, अच्छा है, एज ए नेशन उन्होंने ग्रो किया है। और जहाँ तक आपने बात की कि उनके छोटे इवेंट्स हो बड़े इवेंट्स हो वहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी या कंट्रीज क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, मेरी नज़र में इसमें 2-3 फेलियर ज़रूर हो सकता है, जो मैं कहूँगा हमारे ऑफिस की तरफ से होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। और वैसे भी मोदी जी के हमारे जो नवाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन है इनके साथ बड़े अच्छे तलुकात रहे हैं और इनके जो इंटरेस्ट भी कॉमन है टू सम एक्सटेंड, क्योंकि इनके हमारे शरीफ खानदान के वहाँ पर बड़े बिजनेसेस हैं इंडिया के। तो मेरे ख्याल में मतलब इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ अ ट्वीट कि एक ट्वीट में कुछ लेट हो गई है या कुछ अभी तक नहीं हुआ तो इसको हम इतना ओवर जनरलाइज। हमारे हमारे वज़ीर आज़म भी तो मुल्क में नहीं है ना। हाँ, वो एक्चुअली अपने दौरों पर चल रहे हैं जो माशाल्लाह से वो कर रहे हैं। I can't say anything more on this। ये दौरे क्या रंग लाएंगे? ये दौरे अब और नया क्या लाएंगे? Obviously nothing। सी पैक में तो चाइना नहीं लगा रहा अब। सी पैक में देखें वो एक हमारा फेलियर है। I accept। वो कहते हैं हम आपको अरबों डॉलर दे, आप बदले में हमें लाशें दे रहे हो चीनियों की। ये एक ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी है और ये सैड थिंग है। आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल हैविंग सेड दिस और हैविंग यू नो गोइंग थ्रू दिस, स्टिल दे आर डूइंग बिजनेस। अभी अगर अभी आप देखें जो रिसेंट है शहबाज शरीफ का विजिट, उसमें हवावे के CEO और जो टॉप बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ उन्होंने आई थिंक 42 और 32, आई डोंट रियली रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर्स, लेकिन उन्होंने MOU साइन किए हैं। मतलब वो बात है, MOU से आगे नहीं जाती।